पत्थर पर पड़ने वाले हथौड़े के चोटों की बात ही पत्थर के अंदर छिपी हुई मूरत निकलकर सामने आती है और सारी दुनिया में सम्मान पाती है, पूजी जाती है। लेकिन जो पत्थर इस चोट से डरता है और अपने ऊपर हथौड़े की चोट नहीं पड़ने देता है, वो जीवन भर पत्थर ही बना रहता है। फ्रेंड्स, बिल्कुल ऐसा ही होता है हमारे साथ भी। कई दफ़ा बेहतरीन मौक़ों से हमारी मुलाकात उस समय होती है जब हम सबसे मुश्किल हालात से गुजर रहे होते हैं। जो मुश्किलें हमें तोड़ रही होती हैं, वही हमें उन बदलावों की ओर भी ले जाती हैं जिनके लिए हम चाह कर भी हिम्मत नहीं जुटा पाते थे। अपने सुरक्षित दायरों को छोड़ने से हम डरते थे। प्रोफेसर ब्रेनी ब्राउन कहते हैं, कई बार मुश्किल भरे सबक ही जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत बन जाते हैं। यानी कि मुश्किलों से घबराना तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए। और एक सर्वमान्य तथ्य ये भी है कि जिन लोगों ने जीवन में मुश्किलों का सामना किया है, वो उन लोगों से कहीं अधिक मजबूत हैं जो जीवन में कभी भी मुश्किलों से टकराए ही नहीं। फ्रेंड्स, आज की तारीख है 25 मार्च और आज कई सारी खबरें हैं आपके लिए। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर हम जीव विज्ञान TGT 2016 के बारे में। आज इसके बारे में सुनवाई होनी है। जैसा कि आपको पता है कि जुलाई के महीने में जीव विज्ञान विषय को समाप्त कर दिया गया था और इसके बाद TGT 2016 की परीक्षा में इस विषय की परीक्षा नहीं हो सकी थी, तो इस मामले को चुनौती दी गई है हाई कोर्ट में। और फिलहाल अगर आप इस नोटिफिकेशन को देख रहे हैं तो आज पहले नंबर पर ही इसकी सुनवाई भी होने वाली है, ठीक है। और हो सकता है कि शाम तक आपको पता चल जाए कि TGT 2016 में जीव विज्ञान की परीक्षा होगी या नहीं होगी। संभावना पूरी बन रही है कि ये परीक्षा हो सकती है, क्योंकि अभी तक लगभग हर जो निर्णय होता है हाई कोर्ट का वो मूल विज्ञापन के पक्ष में ही गया है। तो इंतजार कीजिए शाम तक का, जो कुछ भी लेटेस्ट अपडेट होगी वो शाम को मैं आपको दूंगा। और इसी के साथ बात करते हैं फ्रेंड्स, PCS जे मेंस का इस हफ्ते आ सकता है रिजल्ट। लेकिन उसके पहले एक अपडेट मैं आपको और भी देना चाहता हूँ। सूचना ये प्राप्त हो रही है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ARO के का जो रिजल्ट है वो मई तक जारी हो सकता है, ऐसी सूचना प्राप्त हो रही है। और उसके बाद टाइपिंग होगी। देखिए, मैं टाइपिंग के बारे में ही बताना चाहता हूँ, रिजल्ट के बारे में तो श्योर नहीं है। लेकिन टाइपिंग, अगर आप चाहते हैं कि आप टाइपिंग में क्वालिफाई करें हिंदी और अंग्रेजी दोनों में, तो निश्चित रूप से कम इसमें आपको 3 से 4 महीने का वक्त लगता है। क्योंकि जब तक आप रेगुलर प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं 3-3 घंटे की, तब तक आप हिंदी और अंग्रेजी की स्पीड नहीं पकड़ पाएंगे। और स्पीड ही इसमें सबसे अधिक ज़रूरी है। मतलब ये कि अगर आप चाहते हैं कि आप इस टाइपिंग में क्वालिफाई करें, तो आप बिल्कुल जो है अभी से प्रैक्टिस स्टार्ट कर दीजिए। हिंदी की टाइपिंग मंगल फांट पे होगी, और अगर आपको मंगल फांट की सेटिंग करनी मतलब नहीं आती है अपने लैपटॉप पर, तो बताइएगा कमेंट करके, मैं आपको पूरी विधि बता दूंगा अगले वीडियो में कि मंगल को किस प्रकार से सेट करते हैं और इसको किस प्रकार से मतलब इस पर टाइपिंग करते हैं, ठीक है। हाँ, अब चलते हैं न्यूज़ पर। और न्यूज़ ये भी है कि PCS जे मेंस का इस हफ्ते आ सकता है रिजल्ट और मई तक अंतिम चरण परिणाम जारी करने का लक्ष्य रखा गया है UPSC के द्वारा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर न्यूज़ ये है कि आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया है कि मई तक अंतिम चरण परिणाम जारी कर दिया जाएगा। हालांकि वक्त कम बचा है, मुख्य परीक्षा का परिणाम घोषित करने से लेकर अंतिम चयन परिणाम जारी करने तक कम से कम 1.5 माह का वक्त लगता है। लेकिन PCS जे 2018 की प्रारंभिक परीक्षा पिछले साल 16 दिसंबर को प्रयागराज, लखनऊ, मेरठ और आगरा के 141 केंद्रों में आयोजित की गई थी और प्रदेश भर से 64,691 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। फिलहाल यहाँ पर न्यूज़ ये निकल के आ रही है कि सबसे पहले, यानी कि अब होली बीत चुकी है और जितने भी परिणाम जारी होने हैं तो उसमें सबसे पहले PCS जे का परिणाम ही जारी होगा, और उसके बाद जो बाकी बचे हुए विषय हैं LT गेट वगैरह के, तो उनका परिणाम भी क्रमशः जारी होगा, ऐसी सूचना प्राप्त हो रही है, ठीक है। और जो लोग NTA UC नेट में अप्लाई कर रहे हैं या करना चाहते हैं, तो शीघ्र ही अप्लाई कर लें, क्योंकि आवेदन की अंतिम तिथि करीब है और यह है 31 मार्च। तो इस बात का आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और CTET के बारे में बात करते हैं फ्रेंड्स। तो CTET परीक्षा में जो लोग संशोधन करना चाहते हैं, तो उनके लिए वेबसाइट ओपन हो चुकी है, और जो लोग संशोधन करना चाहते हैं तो वो लोग वेबसाइट पर जाकर संशोधन कर सकते हैं। कोई फीस आपको नहीं देनी है। अब से मतलब कि 25 मार्च से लेकर 1 अप्रैल के बीच में संशोधन किए जा सकते हैं। तो आप अगर कोई त्रुटि कर चुके हैं CTET की मतलब फॉर्म भरते समय, तो आप जरूर से अपनी त्रुटि को सुधार लें। एक अच्छी न्यूज़ निकल के आ रही है उनके लिए जो लोग नेट या फिर PhD हैं। तो असिस्टेंट प्रोफेसर की बड़ी भर्ती की तैयारी कर रहा है बोर्ड। स्थगित चल रहे सभी विज्ञापनों के पदों को किया जा सकता है समाहित।
534 पदों के अध्याचा निरस्त करके होगी नई भर्ती, और इसमें आरक्षण में कुछ गड़बड़ी के चलते रोक दी गई थी यह भर्ती। और न्यूज ये भी है कि शेष तीन विषयों के 315 असिस्टेंट प्रोफेसरों को दिया गया नियुक्ति पत्र। तो ये है हेडलाइन, और आपको बता दें कि जो लोग नेट या फिर पीएचडी होल्डर हैं तो वो इंतजार करें, बहुत जल्द ही उन्हें UPSC से एक अच्छी न्यूज मिल सकती है, जिसमें अनुदानित महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की राह की तैयारी कर रहे लोगों की मुराद पूरी हो सकती है। उनके लिए नवीन अवसर भी सुनहरा ही होगा, क्योंकि आगामी भर्ती अब तक की सर्वाधिक रिक्तियों वाली होने के आसार हैं। उत्तर प्रदेश उच्च शिक्षा निदेशालय पिछले अर्थ की तो ये सभी विज्ञापनों, जिसमें विज्ञापन संख्या 39 भी शामिल है, 44 और 45 के पदों को समाहित करके अध्याचन उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग यानी कि UPSC को भेजने की तैयारी कर रहा है। तो फिलहाल इसके बारे में इतनी बात करते हैं, बाकी जो कुछ भी लेटेस्ट अपडेट होगी तो उसके बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। फिलहाल देखिए, जो लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं या फिर एग्ज़ाम का वेट कर रहे हैं या फिर ऐसी वैकेंसी का वेट कर रहे थे, तो उनके लिए खबर काफ़ी पॉजिटिव है। और साथ ही साथ आपको पता ही होगा कि जो लोग TGT PGT के साथ साथ DSSB में शिक्षक बनना चाहते हैं, तो उनके लिए भी गुड न्यूज़ मैं कल ही आपको दे चुका हूँ कि लगभग 18,000 से 20,000 पद आएंगे। अब इसमें जो पद होंगे वो अलग अलग हैं, यूपी में लगभग 7,000 TGT और PGT के पद होंगे, जिसमें लगभग 6,500 पद होंगे TGT के, बाकी के पद जो होंगे वो PGT के होंगे, और साथ ही साथ लगभग 2,500 से 3,000 प्रिंसिपल के पदों की वैकेंसी भी यूपी में आ सकती है। इंतजार करना होगा आपको लगभग जुलाई तक। DSSB में भी लगभग 10,500 पदों के सापेक्ष वैकेंसी जारी होगी, तो मतलब ये कि इंतजार करते रहिए और इस बार CTET की परीक्षा में जान लगा दीजिए, क्योंकि बहुत सारी वैकेंसीज हैं DSSB की जिसमें बगैर जो है CTET के लोग अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं और आपको बता दें यहाँ पर कि 25 मार्च लेके 1 अप्रैल के बीच, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, CTET का जो फॉर्म है उसमें संशोधन किया जा सकता है। और इसी के साथ अगर हम बात करें UGC NET परीक्षा के बारे में, तो 1 से लेकर 30 मार्च तक फॉर्म भरे जाएंगे, ठीक है, 1 अप्रैल तक जो 31 मार्च मैंने बताया उसके बारे में थोड़ा सा संशोधन कर देते हैं, 1 से लेकर 30 मार्च तक आप फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है, 1 अप्रैल तक आप फीस जमा कर सकते हैं। और इसी के साथ अगर करेक्शन करना चाहते हैं UGC NET के मतलब फॉर्म में, तो इसके लिए 7 से लेकर 14 अप्रैल तक आप इसमें करेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। और बाकी की चीज़ें मैं ऑलरेडी डिस्कस कर रहा हूँ, और जो लोग UGC NET की परीक्षा में शामिल हो रहे हैं तो वो एजुकेशन सब्जेक्ट और साथ ही साथ पेपर वन की पूरी तैयारी के लिए हमारे दूसरे चैनल करियर मंत्रा को सब्सक्राइब कर सकते हैं। रेलवे ग्रुप डी की जो सारी परीक्षा है वो कल से यानी कि 26 मार्च से शुरू हो रही है, और आपको बता दें कि RRB की ओर से पिछले वर्ष ली गई ऑनलाइन परीक्षा में सफल 14,288 अभ्यर्थी अब सारी दक्षता परीक्षा में हिस्सा लेंगे। कुल 4,762 पदों की भर्ती परीक्षा 7 अप्रैल तक DSA ग्राउंड में चलेगी। ये न्यूज़ जो है वो प्रयागराज के सापेक्ष है, अगर आप किसी अन्य जोन से RRB में आपने अप्लाई किया था तो आप संबंधित RRB की वेबसाइट पर विजिट जरूर कर लीजिएगा। फ्रेंड्स ये थी आज की खबरें, और इन्हीं खबरों के साथ आप लोग आपसे विदा लेता हूँ। सोशल मीडिया पर अगर आप फॉलो करना चाहते हैं तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, या फिर आप सिंपली स्टडी विज्ञान प्रकाश लिखकर भी गूगल पर सर्च कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू ऑल एंड जय हिंद।